72 घंटे के अंदर पुलिस ने अपहरण कांड का किया खुलासा। जाने क्या है पूरा मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर से 3 दिन पहले अगवा हुए 10 साल के श्लोक नाम के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर छात्र अपहरण कांड को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक किडनैपर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ITBP के जवान कुमार गौरव उर्फ मोइज और उसके छोटे भाई सौरभ उर्फ कानाही के रूप में हुई है। बच्चे को सीतामढ़ी के अथरी गांव से बरामद किया गया है। ITBP जवान ने अपने भाई के साथ मिलकर बच्चे को अगवा किया था। भाई बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था। बताया जा रहा है कि दोनों भाई घर बना रहे थे, इसके लिए उन्होंने बड़ा लोन लिया था। इसके बाद भी घर बनाने में पैसे कम पड़ने लगे, साथ ही लोन भी चुकाना था। तब ITBP जवान ने भाई के साथ मिलकर 10 साल के श्लोक के अपहरण का प्लान बनाया। इसके बाद दोनों ने 3 दिन तक रेकी किया। इस दौरान बच्चे से दोनों ने दोस्ती भी बढ़ाई। बच्चा स्कूल वैन से उतरकर पैदल घर आता था। इस दौरान दोनों ने बच्चे को मोटरसाइकिल से अगवा कर लिया और उसे सीतामढ़ी में एक पुराने मकान में रखा। ये मकान आरोपी भाइयों का ही था। यहाँ बच्चे को कुछ देर रखने और उसके कपड़े बदलने के बाद दोनों भाई उसे लेकर हाजीपुर चले गए। हाजीपुर पहुंचने के बाद किडनैपर ने श्लोक के परिजनों को कॉल किया और 50 लाख की फिरौती मांगी। परिजनों को उन्होंने एक ठेले वाले के मोबाइल से कॉल किया। किडनैपर लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था और रिक्शा वाला, ठेले वाले और ऑटो वाले की मोबाइल से फिरौती के लिए फोन कर रहा था। अंतिम कॉल राम दयालु मुजफ्फरपुर से किया तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से उसका कपड़े पहचान लिए थे। बाद में किडनैपर ने पैसे ट्रेन पर लेकर आने के लिए कहा था तो पुलिस कपड़े की पहचान से युवक को ट्रेन में दबोच लिया। तब किडनैपर से पूछताछ में उसने बच्चे का पता बता दिया। दूसरा किडनैपर ITBP जवान फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हम तो मुजफ्फरपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि वो हर समय हमारे साथ खड़े थे। हर परिस्थिति में उन्होंने जितना हो सका उतना वो हमारे मदद किए और हमारे बच्चे को सकुशल बरामद करने में उनकी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है जी। हमसे पहला कॉल में जो था वो 50 लाख की डिमांड किया था। उसके बाद धीरे धीरे उसका जब सेकंड कॉल आया डिमांड घटते गया, फिर थर्ड कॉल में नीचे डिमांड आया, फिर लास्ट वो 5 लाख पे डिमांड उनका आकर रुक गया। हम बहुत खुश हैं बच्चे के बरामदी से। वो हम वो बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सर लोगों का इतना बड़ा मतलब हमारे में सपोर्ट मिला कि हमारा बच्चा आज हमारे साथ है। नागपुर थाना अंतर्गत 16 तारीख को एक अपहरण की घटना प्रकाश में आई थी जिसमें पप्पू कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अहियापुर में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें 2 अज्ञात अपराधकर्मी एक बाइक पर उनके 10 वर्षीय बच्चे को उठाकर ले जा रहे थे। इस टीम को ASP टाउन श्री अवधेश के नेतृत्व में SIT बनाकर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था जिसको टाउन SP साहब जो है अनुसरण कर रहे थे और इसमें हम लोग STF की टीम का भी लगातार साथ दे रहे थे। और पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 5 बार जो अपहरणकर्ता थे उनके द्वारा विभिन्न विभिन्न नंबरों से जो कि मोबाइल नंबर एक आम व्यक्ति के होते थे का प्रयोग करके जो विक्टिम है उनके फादर को लगातार कॉल किया गया। 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही थी और चूंकि लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी और नंबर भी वो फाइनली एक आम आदमी के निकल रहे थे इसलिए हम लोग इस केस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन जो कल का लास्ट कॉल आया उस लास्ट कॉल करते समय वहाँ पर एक अच्छा CCTV फुटेज मिला जिसके आधार पर हुलिया को चिन्हित किया गया। फिर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की गई है जिनका नाम सौरभ है। ये 2 सगे भाई मिलके इस घटना को उन्होंने प्लान किया और अंजाम दिया जिसमें एक का नाम गौरव है जो ITBP में कार्यरत हैं, अभी प्रयागराज में पदस्थापित हैं, ITBP में टेलीकॉम सेक्शन में है वो, और दूसरा भाई सौरभ है जिसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। घटना के पीछे मोटिव पैसा ही लेना था चूँकि ये दोनों ने ही काफ़ी अच्छा घर बनवाया है और बता रहा है कि लगभग 10 से 15 लाख रुपये का लोन इनके ऊपर था और पैसे की इन लोगों को आवश्यकता थी इसलिए इन लोगों ने इस एरिया की रेकी की। इनका पीछे मानसिकता ये थी कि वो एरिया काफ़ी संपन्न है और वहाँ संपन्न लोग रह रहे हैं। फिर उन्होंने फोकस किया कि ये बच्चा अकेला है और इसका घर थोड़ा दूरी पर है और ये अकेले जाता है बस से उतर के, कोई गार्जियन या पेरेंट्स बच्चे के साथ नहीं आते हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन वहाँ पर रेकी करके बच्चे से पहले 1-2 दिन बातचीत की, उससे थोड़ा दोस्ती बनाई और फिर इस घटना को अंजाम दिया। बच्चे की कहाँ से बरामद? बच्चे की बरामदगी रूनी सैदपुर के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से। सर इसमें कोई पड़ोसी है इनका, इनका कोई करीबी है? नहीं नहीं, ना ही कोई पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार, ना ही किसी करीबी का इसमें अभी तक कोई संलिप्त आई है, ना ही इसके पीछे कोई प्रोफेशनल बड़े आपराधिक
गैंग की कोई अभी तक संलिप्त ऐसी आई। हाँ, वो मैंने आपको स्पष्ट किया कि इन लोगों ने पहले एरिया को टारगेट किया, इन लोगों को लगा कि ये एरिया ठीक है, हाईवे के बहुत नज़दीक है, तुरंत हाईवे पे पहुंचा जा सकता है, और उस एरिया में जो मकान बने हैं तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट यह था कि यहाँ पे काफ़ी संपन्न लोग रहते होंगे। इन्होंने 2-3 दिन उस एरिया को घूमा, तब उन्होंने देखा कि एक बच्चा ऐसा है जो बस से उतरता है और कुछ दूरी पर चल के जाता है, और उस बच्चे को लेने के लिए कोई गार्जियन या पेरेंट्स नहीं आते हैं, तब उन्होंने इस बच्चे को टारगेट किया। आईटीबीपी का जो जवान है उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाए? आईटीबीपी के जवान के साथ में एक जैसे सामान्य अभियुक्त के साथ कार्रवाई की जाती है वैसी की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। हालांकि वो सरकारी कर्मी है, इसके लिए उनके जो विभाग है उसको लिखित में सूचना दी जाएगी, विभाग की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो आईटीबीपी करेगी, लेकिन हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इससे पहले भी लोगों ने किसी नहीं, अभी तक इन लोगों का ऐसा कोई आपराधिक इतिहास ना ही इस जिले में, सीतामढ़ी और शिवहर आसपास के जिलों से हम लोगों ने वेरीफाई कराया है, इन लोगों का अभी तक ऐसा कोई आपराधिक इतिहास। अंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।